बार हम 50 से 1 लाख के बीच में हम लोग जीतेंगे। नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज हम पहुंचे हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में दो दिग्गज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस कोटे से कालीचरण मुंडा और भाजपा कोटे से अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो कालीचरण मुंडा जी अभी हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कालीचरण जी, कैसा देख रहे हैं इस बार का समीकरण? हम लोग आश्वस्त हैं जी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी जी, भारी अंतराल से हम लोग जीतेंगे जी। खूंटी में अब तक बहुत विकास बहुत पीछे रह गया है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? यहाँ का लोग, यहाँ का विकास करना है, यहाँ का हित हक का काम करना है जी, किसानों का विशेष पर ध्यान देना है जी, समझे ना, किसान का उपजाया हुआ चीज सबको बाजार में उचित दाम मिल जाए, उचित काम हो, इसी पर हम लोग कर रहे हैं जी। ठीक है, 2019 में देखें तो 2019 में महज 1400 वोटों से, दादा थोड़ा दो, 2019 में महज 1400 वोटों से आप पीछे रह गए थे, इस बार क्या है देखते हैं आप? इस बार हम 50 से 1 लाख के बीच में हम लोग जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कालीचरण मुंडा, जो पिछली बार अर्जुन मुंडा को शिकस्त देते देते रह गए थे, लेकिन इस बार इनका दावा है कि ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अपनी विजय हासिल करके रहेंगे और अर्जुन मुंडा को परास्त करेंगे और संसद भवन जाकर खूंटी के विकास के लिए अनेकों काम करने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।